हेलो एवरीवन, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट लैब हम स्टार्ट करने वाले थे, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने सिलेबस देखा था अपना और कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं और मिनिमम कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, कितने एक्सपेरिमेंट सिलेबस में दिए गए हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि फाइल कैसे बनानी है, यानी कि जो रिकॉर्ड आपको प्रैक्टिकल फाइल का मेंटेन करना है वो किस तरीके से बनाना है। आज से हम अपना पहले एक्सपेरिमेंट से शुरू करेंगे। फाइल कैसे बनानी है ये चीज आपको बता दी जा चुकी है, उसके अंदर क्या क्या मैटर लिखना है, क्या करना है, वो सब आपको अपनी बुक में मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, यानी कि लैब में आके कैसे परफॉर्म करना है और उसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, ये हम आज के लेक्चर में देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें दिया गया था, जिसमें एम हमारा है, यानी कि हमें एक्सपेरिमेंट लैब में आके करना क्या है, टू मेजर लेंथ रेडियस ऑफ अ गिवन सिलेंडर, अ टेस्ट ट्यूब एंड अ बीकर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर एंड फाइंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें वर्नियर कैलिपर की सहायता से किसी भी दिए हुए सिलेंडर की, टेस्ट ट्यूब की, बीकर की त्रिज्या निकालनी है और लेंथ निकालनी है, और फिर उसके बाद हमें उसका आयतन निकालना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि लैब में आएंगे, वर्नियर कैलिपर लेंगे और उसकी सहायता से एक बीकर या टेस्ट ट्यूब या फिर सिलेंडर, सॉरी या नहीं, इन तीनों का हाइट और रेडियस हमें निकालनी है। हाइट और रेडियस निकालने के बाद हमें उसका आयतन निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपको कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, फाइल में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, या कौन कौन सी थ्योरी लिखनी है, वो पॉइंट्स मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, यानी कि उन पॉइंट्स के अंदर क्या लिखना है या उपकरण के बारे में क्या लिखना है, वो आप अपनी समझ से, जैसा आप उपकरण देखते हैं या जैसा आपको समझ आता है, उस अकॉर्डिंग आपको लिख लेना होगा। अब दिए गए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले लैब में आकर हमें क्या करना है, जो चीजें चाहिए हमें अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए वो चीजें लेनी है। तो हमें चार टाइप की चीजों की जरूरत पड़ेगी इसमें, जो कि हमारे एम में भी लिखी हुई है। वर्नियर कैलिपर चाहिए, सिलेंडर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए और बीकर चाहिए। ये चार चीजें हमें लैब में लेनी है। सिलेंडर का मतलब यहाँ पर्टिकुलर ऐसी ही आकृति नहीं है, कोई भी बेलनाकार वस्तु हो सकती है, आपका पेन भी हो सकता है, लेकिन लैब में जनरली जो हम यूज करते हैं वो कैलोरीमीटर को यूज करते हैं, इसलिए मैंने सिलेंड्रिकल वस्तु के तौर पर कैलोरीमीटर को लिया है यहाँ पर। इन तीन चीजों की, जो राइट हैंड साइड के तीन फिगर हैं, यानी कि वर्नियर कैलिपर को छोड़कर तीन चीजें जो हमने ली हैं, इनकी हमें लंबाई और त्रिज्या निकालने हैं। और निकालने कैसे हैं, इस वर्नियर कैलिपर का यूज करके। तो अब हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। सबसे पहले ये चीजें लेनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट शुरू करते ही हमें सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद ऑब्जर्वेशंस लेने होते हैं, यानी कि प्रेक्षण लेने होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसके बीच के पॉइंट्स जो आपको फाइल में लिखने हैं वो आपको बुक में मिल जाएंगे। लैब में आके क्या काम करना है और क्या कैलकुलेशन करनी है, मैं सिर्फ उतना यहाँ पर कवर कर रही हूँ। तो सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद, जो जो चीजें हमें चाहिए वो कलेक्ट करने के बाद, हमें ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, इसका अल्पतमांक निकालना पड़ेगा। अल्पतमांक निकालने के लिए हम पहले भी एक लेक्चर में ये चीज देख चुके हैं, एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपको जो वर्नियर कैलिपर दिया जाता है उसके अंदर, जब आपको वर्नियर कैलिपर समझाया था कभी लेक्चर में, तब आपको बताया था, एक बार मैं चाहूंगी कि आप वो लेक्चर गो थ्रू कर ले। उस लेक्चर में आपको बताया गया था कि वर्नियर पैमाने पर, सॉरी वर्नियर कैलिपर में दो प्रकार के पैमाने होते हैं, एक मुख्य पैमाना और एक वर्नियर पैमाना। मुख्य पैमाना है जो आपको फिगर में 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो वाली स्केल। और वर्नियर पैमाना है जो आपको ये नीचे पेज जैसा दिखाई दे रहा है, इसके पास 0, 1, 2, 3, 4 आगे जो नंबर लिखे हुए हैं, ये है हमारा वर्नियर पैमाना।
तो सबसे पहले आप हमेशा देखना, कोई भी प्रकार का वर्नियर कैलिपर ले लीजिएगा, उसमें जो मुख्य पैमाना है जिसे मेन स्केल डिवीजन कहा जाएगा, मुख्य पैमाने का सबसे छोटा भाग जो है, या मुख्य पैमाने का एक भाग जो है, वो MSD मेन स्केल डिवीजन लिखा गया है यहाँ पर। तो मुख्य पैमाने में सबसे छोटा भाग जो है, यानी कि जीरो के बाद जो पहली लाइन है, वो 1 मिलीमीटर को बताती है किसी भी वर्नियर कैलिपर में। इसलिए 1 MSD, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो है, वो 1 mm के बराबर होता है। मेन स्केल डिवीजन क्या है? मुख्य पैमाने का सबसे छोटा भाग, और 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है? 1 मिलीमीटर को बताता है। उसके बाद दूसरा हमें वर्नियर पैमाना दिया गया है, तो आपको जो भी वर्नियर कैलिपर दिया हुआ हो, उसके अंदर देखिएगा कि जो वर्नियर पैमाना है, उसके वर्नियर पैमाने में कितनी लाइन खींची हुई है, और उसके हिसाब से देखिएगा कि वर्नियर पैमाने की कितनी लाइनों से मेन स्केल डिवीजन के कितने भाग बन रहे हैं। कहने का मतलब, जैसे जो चित्र आपको यहाँ दिखाया गया है, इसमें देखिए 0 से लेकर 10 तक जब आप मुख्य पैमाने पर चल रहे हैं, तो आपको वर्नियर पैमाने पर 0 से लेकर 2 और 3 के बीच वाली जो रेखा है वो मिलती हुई दिखाई देगी। यानी कि 0 से 10, यानी कि 10 मिलीमीटर के अंदर आपको वर्नियर पैमाने की कितनी लाइनें दिखेंगी? 0 0 वाली लाइन, उसके बाद पहली लाइन, आपको ये जो 1 2 3 लिखे हुए हैं वर्नियर स्केल में, ये काउंट नहीं करने हैं। पहली लाइन को 1 मानना है, दूसरी लाइन को 2 मानना है, तीसरी लाइन को 3 मानना है, चौथी लाइन को 4 मानना है, पांचवी लाइन को 5 मानना है। तो यहाँ जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, उसमें क्या दिख रहा है कि वर्नियर स्केल के वर्नियर सॉरी मुख्य पैमाने के 10 डिवीजन जो हैं, उनके बराबर वर्नियर पैमाने के 5 डिवीजन हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ हम कर देंगे 5 VSD बराबर 10 MSD, या जो भी आप वर्नियर कैलिपर लेते हैं उसमें देखिएगा पूर्णांक संख्या के रूप में, यानी कि पूरा पूरा जो आपस में मैच कर रहा है, तो कितने वर्नियर स्केल में कितने मेन स्केल डिवीजन आ रहे हैं, वहां से हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान निकाल लेंगे MSD के रूप में, मेन स्केल डिवीजन के रूप में, और उसे फिर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लीस्ट काउंट, जैसे इस केस में हमारे क्या आ रहे हैं, 5 VSD का मान 10 MSD के बराबर आ रहा है, यानी 1 VSD क्या हो गया, 10/5 MSD, यानी कि 10/5, यानी कि 2 mm। अब हमें लीस्ट काउंट निकालना हो तो लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी 1 MSD का जो मान है उसमें से 1 VSD का मान घटा दीजिए, तो वो हमें मिलता है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मिलीमीटर में, और उसे फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ तक हमें एक ऑब्जर्वेशन लेना है। क्या करना है, सबसे पहले देखना है 1 MSD होता है 1 mm, फिर हमें देखना है कि मेन स्केल डिवीजन कितने, मेन स्केल डिवीजन में कितने वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे आ रहे हैं, वो आपको अपने उपकरण को देखने से पता चलेगा। अलग अलग उपकरण में वर्नियर स्केल में अलग अलग लाइनें खींची होती हैं, तो आपके पास जो उपकरण है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। यहां से आप 1 VSD का मान निकाल लेंगे और लीस्ट काउंट जो है वो हो जाएगा आपका 1 MSD माइनस 1 VSD, फिर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। दूसरी चीज हमें देखनी है कि जीरो एरर क्या होती है। जीरो एरर का क्या मतलब है, देखिए जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखेंगे कि जो वर्नियर पैमाने का जीरो है और जो मुख्य पैमाने का जीरो है, ये दोनों आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर दोनों जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि आपस में मिल रहे हैं, कहने का मतलब मुख्य पैमाने का जीरो और वर्नियर पैमाने का जीरो एक ही बिंदु पर हैं, तो कोई जीरो एरर नहीं होती। पर बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए वर्नियर पैमाने का जीरो जो है वो मुख्य पैमाने के जीरो से पीछे है, यानी कि पीछे की साइड है, या फिर जीरो उस जीरो के आगे की साइड है, दोनों में से जैसा भी कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन में हमें जीरो एरर मिलती है, यानी कि दोनों जो एरर हैं सॉरी दोनों जो जीरो हैं वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हों,
वर्नियर स्केल का जीरो या तो मेन स्केल के जीरो से पीछे हो या मेन स्केल के जीरो से आगे हो। ऐसी कंडीशन में जो एरर आती है वो जीरो एरर कहलाती है। जीरो एरर को कैलकुलेट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मान लीजिए कि ये दोनों जीरो आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो अगर जीरो जीरो जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से पीछे होता है, तो इसका मतलब आपकी जो रीडिंग आप अपने एपरेटस से लेंगे उससे कम वैल्यू आपको देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जहां उसका मान जीरो होना चाहिए था वहां वो माइनस में मान शो कर रहा है। तो ऐसे केस में जितनी हमारी रीडिंग आ रही है उसमें हम ये जो जीरो एरर है ये जोड़ देंगे ताकि फाइनल बैलेंस हो जाए। अगर ये जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे है, मान लीजिए कि 2 मिलीमीटर पे है, तो अब आपका जो उपकरण है वो 2 मिलीमीटर की रीडिंग ऑलरेडी बता रहा है, इसलिए जब आप रीडिंग लेंगे किसी भी एपरेटस की तो उसमें पहले से इंक्लूडेड होगा 2 मिलीमीटर की रीडिंग। यानी कि कोई लंबाई आपने 10 सेंटीमीटर नापी है तो पहले से वो 2 मिलीमीटर नाप रहा है, तो आपको जो कुल लंबाई है वो मिलेगी 10 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, लेकिन आपकी एक्चुअल लंबाई आनी चाहिए 10 सेंटीमीटर की। इसलिए ये जो जीरो एरर है इस केस में उसको हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे कितनी है और फिर जो हमारा फाइनल आंसर आता है उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हो गई हमारी जीरो एरर। ठीक है, तो हमें यहाँ तक पहले दो चीजें निकालनी है, एक वर्नियर पैमाने का लीस्ट काउंट जिसे LC भी लिखा जाएगा आगे, और दूसरी जीरो एरर। इतना करने के बाद अब हमें अपने जो एपरेटस जो जिस भी चीज का हमें मान ज्ञात करना है या जिस भी चीज की हमें त्रिज्या या लंबाई ज्ञात करनी है वो चीज लेनी है और उसकी रीडिंग लेकर इन दो टेबल्स में लिखनी है। तो रीडिंग कैसे लेनी है वो मैं आगे बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या क्या रीडिंग लेनी है वो देख लेते हैं। देखिए, पहले है इंटरनल डायमीटर की रीडिंग लेते हैं, यानी कि हम आंतरिक व्यास की रीडिंग ले रहे हैं किसी भी चीज की, चाहे वो सिलेंडर हो या टेस्ट ट्यूब हो या बीकर हो। तो हमें तीन चीजों की पूछी है, इसका मतलब हमें तीन चीजों के व्यास निकालने हैं, तो व्यास की तीन सारणी बनेगी और तीन चीजों की लंबाई निकालनी है तो इसलिए लंबाई की भी तीन सारणी बनेगी। कुल मिला के हमें 6 सारणी मिलती है, एक वस्तु के कॉरेस्पॉन्डिंग दो टेबल। जैसे मैंने बीकर लिया है तो बीकर का आंतरिक व्यास निकालेंगे और बीकर की गहराई निकालेंगे, या फिर कहें उसकी लंबाई निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे। तीन चीजों की निकालनी है, बाकी दो चीजों की भी सेम मेथड से निकलेगी, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ बीकर का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, लेकिन लैब में जब आप आते हैं तो आपको बाकी बची हुई दो चीजों की भी रीडिंग लेनी है। मेथड सेम है इसलिए मैं सिर्फ बीकर को कवर कर रही हूँ। तो हमें रीडिंग की इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए रीडिंग क्या क्या लेनी है, सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, यानी कि वर्नियर पैमाने पर मुख्य पैमाना जो है वर्नियर कैलिपर में उसकी रीडिंग लेनी है। उसके बाद हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है। वर्नियर स्केल की रीडिंग के अंदर जो हमें क्या क्या देखना है, वर्नियर डिवीजन काउंट करने हैं कि वर्नियर डिवीजन कितने आ रहे हैं, और फिर ये जो वर्नियर डिवीजन की संख्या है उसको हमें वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में लिखना है। फिर हमें टोटल रीडिंग लेनी है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पहला कॉलम है जो मेन स्केल की रीडिंग है वो प्लस जो ये तीसरा कॉलम है इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। उसके बाद अगले कॉलम में हम उसे करेक्ट करके लिखेंगे अगर कोई जीरो एरर है तो। अगर कोई जीरो एरर नहीं है तो ये जो ऑब्जर्व डी जीरो है, यानी कि कॉलम नंबर 4 जो है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और अगर कोई एरर है, जीरो एरर है, तो उसे प्लस या माइनस करके हम उसके आगे वाले कॉलम में लिख देंगे। ये हो गई हमारी टेबल नंबर 3 इंटरनल डायमीटर के लिए। सेम ऐसे ही हमें डेप्थ डी के लिए भी निकालनी है। क्या करना है, मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, वर्नियर पैमाने पर कौन से भाग मिल रहे हैं सेकेंड कॉलम में वो लिख देंगे, थर्ड कॉलम में उन भागों की संख्या को वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ कॉलम में हम क्या करेंगे, जो पहला कॉलम है और तीसरा कॉलम है इनको जोड़कर लिख देंगे। और अगले कॉलम में क्या करेंगे, अगर कोई जीरो एरर है तो उसके हिसाब से करेक्शन करके लिख देंगे।
अब देखिए, देखते हैं कि जो मेन जो हमारी रीडिंग है, जो हम उन टेबल्स में लिख रहे हैं, वो कैसे लेनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें, अगर मान लीजिए इंटरनल डायमीटर की रीडिंग लेनी है बीकर के, तो अपने वर्नियर कैलिपर को जो पेच है उसकी सहायता से खोलेंगे और इसके जो टीथ हैं या इसकी जो जॉ हैं उनको हम चित्र में दिखाए अनुसार बीकर में एडजस्ट करेंगे। जितना हमें एडजस्ट करने की जरूरत है उतना एडजस्ट करके उतना ही वर्नियर कैलिपर को खोला जाता है। अब देखिए रीडिंग कैसे लेनी है। आपका जो वर्नियर कैलिपर खुला है, सेकंड फिगर में देखिए, उसमें जो रेड सर्कल में एरिया है वहां फोकस कीजिएगा। जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मुख्य पैमाने पर कितनी रीडिंग दे रहा है, वो हो जाएगी हमारी मेन स्केल की रीडिंग, जो कि हम टेबल का जो पहला कॉलम है उसके अंदर लिख लेंगे। वो हो गई हमारी मेन स्केल की रीडिंग। उसके बाद जो वर्नियर पैमाने पर छोटी छोटी लाइनें खींची हुई हैं, हमें ये देखना है कि उनमें से कितने नंबर की लाइन मुख्य पैमाने के किसी लाइन के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो वर्नियर स्केल की लाइंस हैं उनमें से कोई एक लाइन ऐसी होगी जो मुख्य पैमाने की लाइन से पूरी पूरी एकदम एग्जैक्टली सीधी मैच हो रही है, तो वो हमें नोट करनी है। अब ये जो सीधी मैच होती हुई लाइन है, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा लाइन मैच हो रही है, तो उसमें जो छोटी वाली संख्या है वो हमें लेनी है। वर्नियर पैमाने की लाइन आपको काउंट कौन सी करनी है, लिखनी कौन सी है, जो वर्नियर स्केल पे कितने नंबर की लाइन है। मुख्य पैमाने का काम बस इतना ही है कि उसकी लाइन के साथ कौन सी वर्नियर स्केल की लाइन मैच हो रही है। रीडिंग हमें लिखनी है वर्नियर पैमाने वाली। उसके बाद हमें क्या देखना है कि देखिए, आपके वर्नियर स्केल में हो सकता है जैसा फिगर में दिखाया गया है 0, 2, 4, 6 ऐसे लिखे हुए हो, लेकिन आपको नोट करनी है कितने नंबर की लाइन मैच हो रही है। आपको ये नहीं देखना कि वर्नियर पैमाने पर लिखा हुआ क्या है। वर्नियर पैमाने की लाइन 0 वाली छोड़ के उसके बाद 1, 2, 3 ऐसे काउंट करनी है, और जितने नंबर की लाइन मैच हो रही है वो आपको सेकेंड कॉलम में लिखना है। थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, ये जो अभी आपने मान लिखा है, जितने जो जो संख्या लिखी है उसको लीस्ट काउंट से गुणा करके थर्ड कॉलम में लिख देंगे। फिर फोर्थ कॉलम में क्या करना है, पहले और तीसरे कॉलम को जोड़ के लिख देना है जैसा आपको पहले बताया गया, और उसके आगे वाले कॉलम की एंट्रीज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये इस तरीके से आपको लेनी है इंटरनल डायमीटर की रीडिंग। अब अगर हमें निकालनी है डेप्थ बीकर की, यानी कि बीकर की हाइट निकालनी हो या बीकर की गहराई निकालनी हो, दोनों को एक बात कही जा सकती है, तो जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है उस तरीके से आपको अपने वर्नियर कैलिपर को एडजस्ट करना है, और उसके बाद आपको नोट करना है जैसा आपको पहले बताया गया सेम उसी तरीके से रीडिंग। जो सर्कल में दिखाया हुआ एरिया है उसको फोकस करना है। जितने नंबर पे आप जितनी मेन स्केल की रीडिंग पे आपका जीरो आ रहा है मेन स्केल की, वो रीडिंग लिख लेनी है। वर्नियर पैमाने की कौन सी लाइन मैच हो रही है वो सेकंड कॉलम में लिख लेना है, और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में लिख देना है। आगे की रीडिंग आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है। इस तरीके से जो मेथड आपको बताया गया, तो आपकी ये जो दोनों टेबल्स हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं। इन दोनों टेबल्स में आपको फाइनल आंसर जो मिल रहा है, पहली टेबल में मिल रहा है आपको D1 और D2 का मान, और दूसरी टेबल में आपको मिल रहा है D1, D2, D3, D4 ऐसे मान। ये D1, D2, D3, D4 क्या है? देखिए, हम क्या करते हैं, कई बार हमारा जो उपकरण है वो बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं होता, शेप में थोड़ी बहुत असिमेट्रिक होती है, इसलिए कोई एक जगह से रीडिंग नहीं लेकर हम कम से कम 3 या 4 जगह से रीडिंग ले लेते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू या उसके नियर बाय वैल्यू मिल सके माध्य निकाल कर। तो इंटरनल डायमीटर के अंदर, जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ 2 वैल्यूज ली हैं, आप 3 या 4 भी ले सकते हैं, 3 या 4 अलग अलग जगह से मान निकालना है। ऐसे ही गहराई के लिए भी 3 या 4 अलग अलग जगह से मान निकाल लीजिए। इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल मिल जाती है। अब हमें कैलकुलेशंस करनी है, तो सबसे पहले मीन करेक्टेड इंटरनल डायमीटर निकालते हैं, यानी कि हमने करेक्टेड तो निकाल लिया, जो पहला डायमीटर था उसके अंदर जो वैल्यू आई हमारी वर्नियर कैलिपर से
उसमें से हमने जीरो एरर के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर दिया और फाइनल आंसर जो हमें मिला वो मिला हमें D1। उसके बाद जब मैंने दूसरी रीडिंग ली तो मुझे मिला D2। इनका एवरेज निकाल लिया मैंने D1 प्लस D2 बाय 2 और ये मेरा आ गया माध्य व्यास, माध्य आंतरिक व्यास और इसे सेंटीमीटर में लिख लिया। इसी तरीके से मैंने गहराई के 4 मान लिए थे तो उनका उनका माध्य निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 बाय 4। ऐसे करके मैंने माध्य करेक्ट संशोधित गहराई भी निकाल ली तो D का मान आ गया। अब हमें दिया गया है कि हमें आंतरिक उसकी त्रिज्या निकालनी है और उसकी गहराई निकालनी है। तो देखिए त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास बटे 2 कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी और आयतन के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर डी। कोई भी अगर बेलनाकार वस्तु है तो उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर डी और आर का मान कितना होगा अपना व्यास बटे 2 के बराबर, तो उसकी जगह हमने लिख दिया डी बाई 2। तो आयतन हमें मिला पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी। पाई का मान आपको पता है, डी का मान आपने निकाल लिया, आंतरिक व्यास है, 2 से डिवाइड कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, स्मॉल डी जो है वो उसकी डेप्थ है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से कैलकुलेशन करके जो हमें आयतन मिला वो हमें मिला सेंटीमीटर क्यूब में और ये हमारा फाइनल आंसर होता है। तो रिजल्ट में क्या लिख देंगे कि जो बीकर का वॉल्यूम है वो जो भी आपका ये कैलकुलेशन के बाद आंसर आया इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये हो गई हमारी फाइनल कैलकुलेशन। अब ये हमने बीकर के लिए निकाला है, ऐसी ही चीज हमें टेस्ट ट्यूब के लिए भी निकालनी है और सिलेंडर के लिए भी निकालनी है। वो दो चीजें आप जब लैब में आएंगे तो आप इसी तरीके से अपने आप खुद करके देखिएगा और जो 3 रिजल्ट आपको मिलेंगे उनको 1, 2, 3 लगाकर रिजल्ट वाले कॉलम में लिख दीजिएगा।